ऑन का कुछ और मीनिंग आया होगा जैसा कि हम सब जानते हैं इंग्लिश में एक वर्ड के सात से आठ मीनिंग होते हैं लेकिन आज हम जो जनरली यूज होने वाले मीनिंग्स हैं वही सीखेंगे सो so, ऑन जिसका मतलब होता है पर लेकिन ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है जब कोई चीज़ टच करे लेस लर्न विद एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल अब बुक कहाँ पर है मेज पर है अब बुक मेज को टच कर रही है तो हमने यूज किया ऑन अगली प्रॉपोजिशन है ओवर ओवर का मतलब होता है ऊपर के ऊपर जब कोई चीज टच ना करे ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही है एग्जाम्पल से समझते हैं द फैन इज ओवर माई हेड अब हेड मेरे सिर से टच नहीं कर रहा है पंखा पंखा मेरे सिर के ऊपर है अगली प्रपोजिशन है इन इन का मतलब होता है मे का मतलब अंदर भी होता है सिंपली जैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास रूम एग्जाम्पल देखते हैं मोना लिव्स इन पुणे मोना पुणे में रहती है लेट्स टेक नेक्स्ट नेक्स्ट इज अंडर अंडर मीन्स नीचे के नीचे अधीन अधीन क्या होता है जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल बिल्ली मेज के नीचे है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वर्क्स अंडर मी वह मेरे अधीन काम करता है लेट्स टेक नेक्स्ट नेक्स्ट इज फ्रॉम फ्रॉम मतलब से लेट्स टेक एग्जाम्पल ही हैज़ कम फ्रॉम डेहली वह दिल्ली से आया है नेक्स्ट इज फोर फॉर मीन्स के लिए फॉर इज बेसिकली यूज फॉर द रीजन्स एंड परपज जब हम किसी काम का कोई रीज़न देते हैं या अपने काम का पर्पज़ बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल दिस इज़ फॉर हिम यह उसके लिए है नेक्स्ट इज विद विद मीन्स साथ के साथ साथ में इन सब का मीनिंग एक ही है ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आई प्ले विद माई फ्रेंड्स मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ नेक्स्ट इज अगेंस्ट अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध के खिलाफ लेट्स टेक एग्जाम्पल ही ऑलवेज कंप्लेन अगेंस्ट मी वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है नेक्स्ट इज नियर नियर मीन्स पास कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पास है लाइक like, एग्जाम्पल से समझते हैं आई लिव नियर द स्टेशन मैं स्टेशन के पास रहता हूँ मतलब मेरा घर जो है वो स्टेशन के पास है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो व्यूवर्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल